करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवे अध्याय के अंतर्गत नया प्रकरण आज चलेगा 323 पृष्ठ का, सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। कल तक एक न्याय गर्भित अध्यात्म का प्रकरण चला, सतर्क संयुक्ति इस बात की सिद्धि हुई कि तत्वार श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण है। उसमें शंकाकार के माध्यम से जताई गई आपत्ति अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोष से दूषित पने की लक्षण लक्षणाभास पने की आशंका को निरस्त किया गया। उसका यह कहना था कि त्रियंश आदि जो तुच्छ ज्ञानी जीव है वे तो नाम भी नहीं जानते, विषय कषाय में प्रवृत्ति करने वाला सम्यक दृष्टि वो इस समय में तत्वार्थ के विचार से रहित है, इसलिए श्रद्धान से रहित है, ऐसा उसका कहना था। और तीसरी बात उसने कही थी, निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो आप ही सात तत्व के विकल्प का निषेध करते हो। चौथा बिंदु उसने कहा था, केवली तो सभी वस्तुओं के ज्ञाता हुए हैं, समान रूप से सभी वस्तुओं को जानते हैं, उनके प्रतीति कैसे संभव है। इन चारों बिंदुओं को अव्याप्ति दोष से दूषित होने की आशंका उसने कही थी। उसका निराकरण टोडरमल जी साहब करते समय कहा था, तिर्यंश हो विषय कषाय में प्रवृत्ति हुआ ज्ञानी हो, ये दोनों प्रतीति से युक्त ही है। और निर्विकल्प अनुभवन के काल में वो विकल्प नहीं कर रहा है तो कह रहे विकल्प करने का उपदेश असत विकल्पों से हटने के लिए था, और जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए विकल्प करने को कहा था वो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होने के पश्चात विकल्प करना कार्यकारी नहीं रहता। और भगवान का ये कहा था, जिस प्रकार हम श्रुति ज्ञान पूर्वक प्रतीति करते हैं वे केवल ज्ञान पूर्वक प्रतीति करते हैं, प्रतीति में कहीं बाधा नहीं आती। फिर एक और एक बिंदु खोला गया था, आपको याद होगा, सम्यक्त का सद्भाव सिद्धावस्था में किस प्रकार रहता है। तो टोडरमल जी साहब ने शाखा का उदाहरण देकर यह समझाया था कि एक मूल शाखा से कितनी शाखाएं निकल आए तो मूल शाखा का तो लोप नहीं होता, उसी प्रकार ये सम्यक्त्वादि गुणों के माध्यम से बाकी अनंत गुणों का विकास सिद्धावस्था में होता है, इससे सम्यक्त्व का लोप होता है, ऐसा आप क्यों मानते हो। फिर उसने और एक आपत्ति जताई थी, उसने कहा था अव्याप्ति दोष से दूषित तो ये लक्षण नहीं है, लेकिन तत्वार श्रद्धान यह लक्षण मिथ्या दृष्टियों में भी पाया जाता है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष से तो दूषित कहो। तो टोडरमल जी साहब ने कुछ कहा था, क्या हेतु दिया तो कोई बताएगा, एक पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। मैंने कहा था उन्होंने दो भेद किए, सच्चा तत्वार श्रद्धान और झूठा तत्वार श्रद्धान। तो कह रहे वो सच्चा तत्वार श्रद्धान नहीं है उसको, तो तत्वार श्रद्धान जो कहते हैं नाम निक्षेप से, नाम निक्षेप किसको कहते हैं, नाम आदि वैसा का वैसा होने पर भी उसमें वैसी जाति नहीं होती, वैसा गुण नहीं होता। नाम निक्षेप के साथ साथ और कौन सा निक्षेप हुआ था, आगम द्रव्य निक्षेप। ये आगम द्रव्य निक्षेप क्या है,
ये गोमटसार कर्मकांड की 70वीं गाथा के उपरांत ये पूरा प्रकरण फैला है। जब कभी मौका पड़ेगा तो उसका अध्ययन भी कर लेंगे। कल मैंने थोड़ी सी परिभाषा यहाँ पर बताई थी आगम द्रव्य निक्षेप की। क्या बताई थी? आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? मैंने कहा था कि उस संबंधी सात तत्व संबंधी आगम का ज्ञाता, और लेकिन अभी उपयोग से रहित। कठिन पड़ रहे थोड़ा, पहली बार सुना है क्या? ये सुन चुके हैं, ठीक है, फिर तो आपत्ति नहीं आनी चाहिए। क्या कहा मैंने? सात तत्व संबंधी आगम का ज्ञाता और अभी उपयोग से रहित, उसको कहते हैं सात सात तत्व का ज्ञानी। समझ में आया? कौन सी विवक्षा से? तो कह रहे आगम द्रव्य निक्षेप से। और यदि उसका ज्ञाता हो और उपयोग से युक्त हो तो वह कथन बोलिए बराबर बराबर वो भाव निक्षेप में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं अभी? अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो यहां पर यह बात हुई, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आधार देकर बात करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। शीतल प्रसाद जी को सब समय सारी कहकर पढ़ा चढ़ाते थे, ये तो आपको पता ही होगा। समय सार का जब विशेष प्रचार प्रसार नहीं हुआ था और शीतल प्रसाद जी ने समय सार के ऊपर, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने जब उस पर टीका लिखी थी, तो उनको सब हंसी उड़ाते थे उनकी, क्या कहकर? समय सारी कहकर। कैलाश चंद जी शास्त्री हुए हैं, ये काशी बनारस में सबसे पहला अपना गुरुकुल खुला था, स्यादवाद विद्यालय, सबसे पहला वर्णी जी की प्रेरणा से, पहले संस्थापक रहे ना वे, काशी में खुला था। उसके एक प्रकार से समझे अधीक्षक जीवन भर रहे कैलाश चंद शास्त्री, बहुत पारगामी विद्वान थे शास्त्रों के। तो उनका जीवन परिचय भी चाहिए? नहीं, उनका नहीं, जगन मोहन लाल जी का तो है मेरे पास पूरा, उनका पत्रिका भी निकलती थी उनके नाम पर। तो वे स्वयं उन्होंने वक्तव्य किया था सोनगढ़ में जब पंचकल्याणक था, तो उनको इनवाइट किया था। तो ये थोड़े से अच्छे प्रकृति के लोग, विद्वान थे ये, आगम के आधार वगैरह देकर बात करते थे, तो इनको इन्वाइट किया था अपने पंचकल्याणकों में। तो उन्होंने भरे प्रवचन में कहा था कि हम लोग शीतल प्रसाद जी को समय सारी कहकर चिढ़ाते थे, हम लोगों को कभी महिमा ही नहीं आई। इतने ग्रंथों के ज्ञाता थे कैलाश चंद जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक अव्वल विद्वानों में उनकी गिनती की जाती थी, जगन मोहन लाल जी की और उनकी, वे दोस्त दोस्त ही माने जाते थे बहुत। एक ही कोट था, कभी ये पहनते थे कभी वे पहनते थे, गरीबी भी थी और दोस्ती भी थी दोनों की, और दोनों विद्वान। तो उन्होंने मंच से ऐसा बोला, लेकिन समय सार आज क्या है हमें समझने मिलता है, ये सब गुरुदेव के प्रचार प्रसार का ही कारण है। इतनी दृढ़ता से किसी का भी विरोध को नहीं गिनकर निरंतर आगे बढ़ना कोई इनसे सीखे। मैं क्यों कह रहा हूं, इतना सारा क्यों कहा मैंने, कोई बताएगा? आगम द्रव्य निक्षेप को किस प्रकार समझा रहा हूं मैं? उस संबंधी ज्ञाता, कोई विषय का निरूपण कर रहा है कोई, तो उसको वैसा ही कहना। सात तत्व का निरूपण कर रहा है तो उसको कहना तत्वर सावधानी। समझ में आता है क्या कहा? निरूपण मतलब उसका ज्ञाता है और अभी उपयोग से रहित है, लेकिन उसके ज्ञाता है तो उनको भी अभी यह समय सार है। ये समय सार है मतलब वो लिखा है ना वहां पर, तुम समय सार हम समय सार संपूर्ण आत्मा समय सार। तो वहां पर समय सार का अर्थ भाव निक्षेप भी हो सकता है, जिसने समय सार को वास्तव में जाना है और उपयोग में भी है, ठीक है। लेकिन जिसने मात्र ग्रंथ को जाना है, शाब्दिक रचनाओं को, तो उसको कहेंगे आगम द्रव्य निक्षेप।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए आगम यह शब्द जोड़ा जाता है, उस संबंधी आगम का ज्ञाता, बस, तो भी उसको सम्यक दृष्टि कहेंगे। सम्यक दृष्टि कौन? सम्यक दर्शन पर जिसने पीएचडी की है उसको भी सम्यक दृष्टि कहने की पद्धति है। नई पद्धति कौन सी? ये आगम द्रव्य निक्षेप, ये नया निक्षेप है ना थोड़ा सा। आज तक इतना तो सुना था राजकुमार को राजा कहना, ये भावी द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप में इतना तो समझते थे, लेकिन आगम द्रव्य निक्षेप जो भावी राजा नहीं होने वाला है, ना राजा है अभी, और मैंने राजनीति पर कोई ग्रंथ लिखा तो मुझे कोई कहे ये राजा है तो ये आगम द्रव्य निक्षेप से है, उस प्रकार की कथनी करने वाला। अच्छे से समझ में आया? ये 8-10 गाथों में फैली विषय वस्तु है, मैंने थोड़ा सा यह संकेत कर दिया। हालांकि कल विषय हो चुका है यह हमारा, लेकिन थोड़ा सा कल वालों को भी नया मिल गया और नए वालों को तो मिल ही गया। नया प्रकरण हम प्रारंभ करते हैं, सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। अब देखिए समन्वय की पद्धति क्या होती है, थोड़ा सा हम समझते हैं। यह समन्वय की क्या पद्धति होती है, वैसे हमने बोली है, पूरी करो मेरे बात को, बोलो कोई। समन्वय की पद्धति कैसी होती है ये हमने पूर्व में बोलो, हाँ पूर्व में हमने कहाँ पर देखा ये सब, राइट? अच्छा आप ये बोल रहे थे अनुयोग, मैं आठवा अध्याय की तरफ मेरा दृष्टि थी। अनुयोगों को समझने की पद्धति, उसमें खूब समन्वय 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 करके दिखाया था, और बार बार ये कह रहे थे परस्पर विरोध नहीं समझना, परस्पर विरोध नहीं समझना। कल एक उदाहरण भी पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था? कहीं तो कहते मुनि व्रत कई बार अंगीकार करते मुक्ति नहीं होती, और कहीं तो ये कहते सम्यक्त्व के बिना मुनि नहीं होता, और कहीं तो कहते मुनि भी होगा और सम्यक्त्व नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। तो परस्पर विरोध नहीं समझना, याद आ रहा है? अपने कल एक प्रकरण खोल के दिखा दिया। तो यह समन्वय की पद्धति एक यहां से दिखाई जाएगी। हर समन्वय की पद्धतियां वो अनेकांत नहीं होती, ये भी एक बात समझ लो अच्छे से। क्या कहा मैंने? जैसे तैसे बिना अपेक्षा के समन्वय बिठाना वो अनेकांत नहीं होता, और हर दृढ़ता से किया गया कथन वह सम्यक एकांत ही नहीं होता। क्या कहा गया, समझ में आता है सबको? और दूसरी तरफ से भी बात को लगा लो कि दृढ़ता से कथन करना, एक पक्ष से ही कथन करना सर्वथा निषिद्ध नहीं है जिनागम में, क्योंकि सम्यक एकांत को तो माना ही है, और ये भी ठीक है वो भी ठीक है, यह सर्वथा ढिलमोल ढुलमिल का लक्षण नहीं है, यह अनेकांत की भी अनेकांत का भी लक्षण है, बस उसमें सापेक्षता बरकरार बनी रहनी चाहिए अपर पक्ष की। नहीं ये भी ठीक है ये भी ठीक है, वो सबका मन रखने के लिए कही हुई बात वो अनेकांत नहीं हो सकती, सबके मन की बात नहीं है, वो वस्तु की तरफ समीप जाकर बात करिए। चलना है आगे। एक प्रकरण आप सबने देखा होगा कभी, ऐसे समन्वय की पद्धति किसमें देखी है आपने कभी? एक प्रकरण है जहां पर अनेक अनेक परिभाषा देकर उसका समन्वय करने का प्रयास किया जाता है, और सदाशिवदास जी ने ऐसा उपक्रम किया है। अभी बोलिए, सदाशिवदास जी ने ऐसा किया है धर्म में, समन्वय करके दिखाया है, याद आ रहा है आपको? गाथा तो छंद तो इतना ही था, क्या था? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुख तह सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। वचनिकाकार सदाशिवदास जी ने समन्वय किया धर्म का, उत्तु साह वो धम्मो को सामने रखा, रत्नत्रय को धर्म कहते उसको सामने रखा, चारित्तम खलु धम्मो उसको सामने रखा, ठीक है, और बोलिए क्षमादि जो लक्षण है उसको भी सामने रखा, और ये दया को धर्म कहते इसको भी सामने रखा, सबका समन्वय करके दिखाया उन्होंने। हम भी कर सकते हैं ना ऐसा, दया को धर्म कहना सत्यार्थ की झूठा है। मैंने अभी अभी लिया है रत्नकरण सौकाचार वालों को, अरे ये तो उपचार का कथन है, क्यों तुमने दया का स्वरूप उपचार रूप से क्यों माना, ये तो तुम्हारी गलती है, क्या दया निश्चय रूप नहीं हो सकती क्या? निर्दय भय प्राणघात करबो यही शिकार, निर्दयता मतलब राग द्वेष की उत्पत्ति ही निर्दयता है, नहीं दया को तो वो धर्म क्या ना उपचार का कथन, ऐसा नहीं है।
वो उपचार दया को उपचार धर्म कहना बनता है, लेकिन परमार्थ दया तो धर्म ही है, वो तो समन्वय करके दिखाने की बात है। फिर अरे चरित्र को भी तो उपचार चरित्र हो सकता है, दया भी निश्चय हो सकती है और चरित्र भी व्यवहार हो सकता है, तो चरित्र ही धर्म है और दया व्यवहार से धर्म, ये कहाँ से लाया? आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये चारों का समन्वय बिठाया जा सकता है, वो तुसाह वो धम्मो, ये द्रव्यर्थिक ने का कथन। फिर रत्नत्रय धर्म है और चरित्र धर्म है, चरित्र रत्नत्रय तो बात एक ही है। अब जानते हो ये जो गाथा है ना, मैं गाथा पढ़ूंगा और आपको एक प्रश्न पूछूंगा तुरंत। चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोतिनी दिठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो समो। प्रवचन सार की सातवीं गाथा। प्रश्न पूछो, चरित्र कौन से गुण के पर्याय है? चरित्र कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा ज्ञान चरित्र युगपत तीनों की पर्याय को चरित्र कहा जा रहा है इस गाथा में। मोह खोह विहीनो, मोह क्षोभ से रहित अवस्था को चरित्र बोल रहे हैं। यहां पर चरित्र गुण की पर्याय को थोड़ी चरित्र बोला उन्होंने, ये उनको भी समझना चाहिए जो जोर जोर से चिल्लाते रहते कहते रहते चरित्र ही खलु धर्म है। लोगो बना लिया है उन्होंने, लोगो समझ में आता है क्या कहते, कैप्शन, कैप्शन समझते ना, कैप्शन एक पर्टिकुलर बिलीव इन द बेस्ट BPL, तो बिलीव इन द बेस्ट उनका कैप्शन, तो उसी प्रकार कैप्शन बनाया उन लोगों ने, क्या चरित्रम खलु धम्मो, और लोगो क्या बनाया, लोगो समझते हो ना, लोगो LIC का लोगो, तो लोगो क्या बनाया, पीछी का मंडल। नहीं देखा आपने ऐसे कभी? नहीं देखा? बहुत जनों ने, मुनि पक्ष वाले ये समझते हैं, ये सोनगढ़ वाले मुनि वालों को नहीं मानते, तो उन्होंने कैप्शन बनाया अपना, चरित्रम खलु धम्मो। ये लोग, इन लोगों ने क्या बनाया था सोनगढ़ वालों ने, चरित्रम दंशन मूल धम्मो। हम क्या बनाएंगे, चरित्रम खलु धम्मो। अरे मतलब वे सम्यक दर्शन का जोर करते, हम चरित्र का जोर करते करेंगे, लेकिन वे ये भूल जाते हैं ऐसा कहते समय, क्या भूल जाते हैं वे ये भूल जाते हैं कि चरित्रम खलु धम्मो जो लिखा है उस प्रकरण में, वो प्रकरण के समीप जाकर देखो, वहां पर चरित्र चरित्र गुण ही की पर्याय नहीं है। मोह खोह विहीनो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मोह मतलब दर्शन मोह की बात रखी उन्होंने, दर्शन मोह और क्षोभ से रहित अवस्था को चरित्र जानना, समता जानना, ये कहां तक आया मैं? हम समन्वय बिठाने का प्रयास कर रहे सब। अभी अभी बोलो, वितरागता चरित्र धर्म का लक्षण बना, अथवा क्षमादि भाव, ये सब एक ही तो बात हुई, क्योंकि एक ही चरित्र को 10 तरफ से देखा जा रहा है ना। राम तेरे कितने नाम, चरित्र तेरे कितने नाम, क्षमा मार्दव अर्जवादि, और दया भी उसी का तो नाम है, क्षमा और दया तो पर्यायवाची ही तो है। वत्थु सहाव धम्मो खमादि भावो ये दसविहो धम्मो रयणत्तयम् च धम्मो जीवाणम् रखदी धम्मम्। मैंने अभी लिखा ये छन रत्नकरण साहब का चर जिनको पढ़ाया मैंने, वहां पर मैंने समन्वयात्मक एक गाथा लिखाई है एक ग्रंथ की, जिसमें चारों परिभाषा आती है। वत्थु सहाव धम्मो, अपेक्षा अपेक्षा बोलो जल्दी, द्रव्यार्थिक ने से, और बाकी सब पर्यार्थिक ने से चले गया अभी। खमादि भावो ये दस भी हो धम्मो रयण तयम च धम्मो जीवाणम रखदी धम्मम। ठीक है, ये समन्वयात्मक शैली, टोडरमल जी साहब भी यहां पर समन्वयात्मक शैली करके दिखाएंगे। गाथा लगभग कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की है, ये समझना पड़ेगा इसको थोड़ा, मुझे तो ऐसे ही याद है। चलिए क्या कहा मैंने, सम्यक्त्व का समन्वय करके दिखाएंगे, सम्यक्त्व के लक्षणों का। अभी अभी किस पर जोर था टोडरमल जी का, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम,
अभी कह रहे समन्वय करके दिखाएंगे, शंकाकार खड़ा हुआ है, देखिए अभी उसका क्या कहना है। कह रहे हैं अभी तक तर्क युक्ति से काम चल रहा था पूरा, मैं तो मौलिक विषय वस्तु आपको बताऊं, अभी तक जितना प्रकरण चला ना सम्यक्तो का लक्षण का 3-4 पेजेस पहले तर्क युक्ति से पूरा काम चला। तर्क युक्ति से क्यों बोल रहा हूं, अव्याप्ति दोष से दूषित, अतिव्याप्ति दोष से दूषित, उसका निराकरण, ये पूरा तर्क युक्ति कहते हैं इसको। आगम का आधार कोई पेश नहीं किया था, अभी जाकर अब वो खड़ा हुआ है और अभी आगम का आधार पेश करेगा। बहुत सुंदर पद्धतियां होती है न्याय की शैलियों में, पहले तो पेश करे सब हमारे आधार कि आई एम नॉट गिल्टी, और फिर भी गिल्टी सिद्ध हुआ फिर दूसरी बात बोले क्या रखे कि साहब उन्होंने भी किया, उनको क्यों नहीं पकड़ते आप। पहले तो ये कहा सीधा बोलना, ये तो सीधा नहीं बोले कि पहले हम अपराधी हैं, पहले तो ऐसा वैसा वैसा हमने तो बचाव के रूप में किया, ऐसा भी किया वैसा भी किया, तर्क युक्ति। और फिर जब ना बच सके जान ख्याल में आया तो औरों को क्यों नहीं पकड़ते हो फिर। ठीक उसी प्रकार यहां पर तर्क युक्ति से पहले उसने बात रखने का प्रयास किया, असफल रहा, अभी आगम के आधार लेकर वो उतर रहा है, अभी तर्क युक्ति खत्म। आप ही कहते ना युक्ति का आलम्बन परापर गुरु का उपदेश, आगम का सेवन युक्ति का आलम्बन परापर गुरु का उपदेश, अभी आगम का बात रखता है। कहता है देखो समय सार में ऐसा लिखा है, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तूर्यदस्यात्मन पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक सम्यक दर्शनमेतदेव नियमा तादात्म वानयम् तन्मुक्त्वा नव तत्व संततिमिमा आत्मायमेकोस्तु न। कैसा सॉलिड आधार पेश किया है, जो भी थोड़े से होश में रहेंगे नींद में नहीं रहेंगे तो आपको बहुत महिमा आनी चाहिए टोडरमल जी की। क्यों आधार क्या पेश किया उसने मालूम, सीधा टोडरमल जी साहब ने किसको हीरो बनाया है अभी, नहीं हीरो मतलब तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, लक्षण को उसको बॉस बनाया है, टॉप पोजीशन पर रखा है। अब उसने आधार जो पेश किया है वो इतना झटका देने वाला है, वो ये कहते हैं साहब समय सार में हमने पढ़ा द्रव्यांतरेभ्य पृथक, एक नई बात भी आपको बताऊंगा वैसे में, आप थोड़ा सा शांति से सुनना। कह रहे हमने ऐसा पढ़ा सम्यक तो किसका नाम कि द्रव्य से पृथक, अन्य द्रव्य से पृथक, द्रव्यांतरेभ्यो पृथक, द्रव्यांतरेभ्यो मतलब अन्य द्रव्यों से भिन्न। हाईलाइट द शब्द वर्ड कौन सा, द्रव्यांतरेभ्य पृथक, अन्य द्रव्य से भिन्न जो आत्मा का आश्रय करता है वही सम्यक तो है। इतना ही नहीं आगे क्या बोल रहे हैं, नव तत्व की संतति अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस आत्मा ही चाहिए। ठीक है, सीधी काट लाई है उसने सामने, काट मतलब चैलेंज है उसको, वो नव तत्व को, नव तत्व की परिपाटी से बस हो। अमृत चंद्र देव ने फटकारा कह रहे वहां पर, और क्या कहा, पर द्रव्य से भिन्न, यही बात कहां पर लिखी है सरल शब्दों में, छड़ाला पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला। मैं और कुछ बात कहना चाहता हूं आज, वहां पर लिखा छड़ाला में पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, यहां पर क्या कौन सा शब्द है उसके लिए, द्रव्यांतरेभ्य पृथक। ये जो लक्षण है ना सम्यक्तों का, ये सोपर भेद विज्ञान वाला लक्षण है, ये कौन सा सोपर का श्रद्धन वाला लक्षण है। और प्योर अध्यात्म कहां पर है मालूम आपको, प्योर अध्यात्म तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, वे कह रहे हैं प्योर अध्यात्म तो दर्शनम आत्म विनिश्चिति, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उद्धृत किया, दर्शनम आत्म विनिश्चिति मतलब एक आत्मा का श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है। और वहां पर ऊपर क्या बोले थे आप, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान। देखो पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान
और अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं, ये दोनों लक्षण अलग अलग है, गड़बड़ नहीं करना। परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान, उसको भेद ज्ञान कहते हैं। और भेद ज्ञान के बाद भी कुछ और शेष रहता है। भेद में तो इतना ही है, ये पार्टी अलग, ये पार्टी अलग। भेद ज्ञान के बाद फिर मुझे किसका आश्रय करना, ये बात तो आई नहीं। और फिर आश्रय करके रम जाना जम जाना, ऐसी भी बात नहीं आई। तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग कहकर क्या कहना चाहते हो? तो मैं आत्मा, बस एक पार्टी तो कोई अडॉप्ट करो ना, कोई एक पार्टी को अंगीकार करना चाहिए। ये भिन्न कहने से काम नहीं चलेगा। सो पर भेद विज्ञान का एक लक्षण पेश किया है उसने अभी, और पेश किया इतना ही नहीं, वो दूषण दे रहा है तत्वार श्रद्धान को। एक आधार दे दिया, दूसरा आधार कौन सा पेश किया उसने? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, दर्शनम आत्मविनिश्चिति, आत्मा का निश्चय करना ही सम्यक दर्शन है। करे कहा सात तत्व की बात खड़ी हुई यहां पर? करे स्वपर का भेद विज्ञान अथवा आत्मा का श्रद्धान, वही सम्यक्तों का लक्षण कहा है, सात तत्व का लक्षण आप मुख्य क्यों बना रहे हो? ये टोडरमल जी साहब के सामने उसने प्रश्न किया है, आधारों को सामने रखकर। टोडरमल जी साहब थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं और वे कह रहे हैं, भाई इनमें तो वैसे तो अविनाभावी संबंध है। अभी टोडरमल जी साहब अविनाभावी संबंध में आ गए, देखो थोड़ा सा। कह रहे हैं, अरे भाई जिनके आत्मा का श्रद्धान है अथवा स्वपर भेद विज्ञान है, उनके सात तत्व का श्रद्धान तो होता ही है। उनके सात तत्व का श्रद्धान नहीं होता है ऐसे तुमने कैसे जाना? ठीक है, एक बात टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, पहले तो तुम ये बताओ, जिसको आत्मा का श्रद्धान है अथवा भेद विज्ञान है, उसको सात तत्व का श्रद्धान है कि नहीं है, तुम क्या मानते हो? यदि नहीं है तुम कहते हो, तो हम ये कहते हैं मोक्ष आदि का स्वरूप समझे बिना किस अर्थ, किस प्रयोजन के लिए उसने शरीर से भिन्न स्वयं को देखा है, पर से भिन्न स्वयं को देखा? कुछ प्रयोजन तो होगा ना, क्योंकि स्व तो स्व है, पर तो पर है, उसमें प्रतीति क्यों करना? स्व पर पने की प्रतीति का कुछ प्रयोजन होना चाहिए ना। प्रयोजन यह है कि राग द्वेष से हटे, और राग द्वेष से हटे प्रयोजन इस प्रयोजन के पीछे करता है, तो उसका स्वरूप समझे बिना, स्वरूप मतलब ये राग द्वेष दुख रूप ये समझे बिना तो वहां से हट नहीं सकता। इसका मतलब सात तत्व का श्रद्धन किया कि नहीं किया, समझ में आता है? देखो सुनिए, सो प्रयोजन ख्याल में होना चाहिए हमें। मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, वो जानता है कि नहीं? कौन? परमहंस वाला, स्वयं को जो क्रोध लेते हैं। क्या? स्वयं को जो क्रोध लेते हैं, समझ में आया ना? चीर देते हैं, अपने प्रकरण देखा था सातवें अध्याय में, आपको याद होगा। तो परमहंस वाले खारपटिक मत वाले हैं, खारपटिक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिया, वे क्या मानते मालूम? वे ये मानते हैं देह और जीव अलग अलग होना निर्वाण है। सो तो तुम भी मानते हो ना, खरपटिक कोई क्यों बीच में ले रहे हो? वो ये मानते हैं वो आत्महत्या नहीं है, और ये कहकर वे स्वयं को जला देते हैं, क्रोध लेते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में टीका में आया है, वचनिका में टोडरमल जी ने प्रकाश डाला। तो टोडरमल जी साहब वहां पर कह रहे हैं, तुम्हें देह से विरक्ति हो ही गई थी तो तपश्चरण आदि करता, उसको मिटाने का यत्न क्यों किया? समझ में आया? तो द्वेष रूप यत्न किया ना तुमने, हम राग रूप यत्न का निषेध कर रहे थे, तुमने अपर पक्ष में खड़े रहकर तुमने द्वेष का पोषण कैसे किया? आप समझ गए? हम तो ये कहते जो है सो है। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब, कोई बताएगा मुझे? मैं आपको बता पा रहा हूं कि नहीं, मुझे तो समझ में आया। मुझे क्या कहना है यहां पर? मुझे कहना है सो पर भिन्न भिन्न है, इतना कहकर काम कैसे चलेगा? सो पर का अलग अलग होना उसको मोक्ष कहेंगे? तो खरपटिक मत वाले सामने खड़े, तो कहते अलग अलग करो मोक्ष होगा, कर दो अलग अलग। अरे ऐसे नहीं करना है, अलग अलग अपनी योग्यता से भी अलग अलग है, पहले ऐसे जानो, और वे अलग अलग अपनी योग्यता से होंगे कब? ऐसे श्रद्धान पूर्वक। तो कह रहे हैं टोडरमल जी, स्वपर का भेद विज्ञान होने से ही काम नहीं चलता, तो कह रहे आश्रव आदि का स्वरूप पता होना चाहिए, और दुख रूप आश्रव है इसके पीछे हमको भेद विज्ञान करना है, और भेद विज्ञान होगा तो आश्रव आदि घटेंगे,
घटेंगे तो दुख भी घटेगा, ये मूल वस्तु स्वरूप चाहिए सामने, ठीक है। मैंने उदाहरण पहले भी दिया था, दो भाइयों को अलग अलग किया, अब प्रयोजन पता नहीं हुआ अलग अलग का, तो कितनी तकलीफ खड़ी होगी। ये हम अलग हो गए, हम अलग हो गए, अलग हो गए, अलग हो गए, अब तुम लड़ने को उतर आओ और अपने भाई पर संकट आए तो भी तुम बीच में नहीं, हम अलग हो गए। अरे अलग होने का मतलब क्या है? अलग तो इसलिए किया था सब अपने अपने पैरों के ऊपर खड़े रहे, अनाप शनाप खर्चा न हो, भाई भातृत्व तो अभी भी है तुम्हारा, तो अलग होने का प्रयोजन भी तो समझ में आना चाहिए ना। तुम एकदम बैरी जैसे आकर सामने खड़े रह जाओ एक दूसरों के, भरत बाहुबली जैसे, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं यहां पर, भरत बाहुबली मतलब कौन? स्वपर। स्वपर मतलब कौन? शरीर और जीव। इसलिए जानते हो आप, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के समापन के प्रकरण में पूरा यह सिद्धि करने के प्रयास किया है कि जैन दर्शन की संलेखना है वो आत्महत्या नहीं है। मैं ताज्जुब तो इस बात को होता है, 1000 वर्ष पहले इसकी सिद्धि करने पर भी आज लोग आक्षेप उठाते हैं कि संलेखना यह समाधि मरण है, इनका समाधि मरण वो आत्महत्या का प्रयास है। मैंने एक बार बताया भी था आपको, एक केस याद आ रहा होगा आपको। इसलिए फिर उनको पेश किया जाता है, आधार दिया जाता है कि विनोबा भावे जैसा जीव, उसने महावीर निर्वाण दिन, पता है ना, दीपावली के दिन उनकी समाधि हुई थी और उन्होंने भी संलेखना ही की थी, ऐसी की थी उन्होंने, आहार जल का त्याग कर दिया था, तो फिर उनका आदर देना पड़ता है हमको। दयानंद सरस्वती का आदर देना पड़ता है, उन्होंने भी दीपावली के दिन, विनोबा भावे ने, दयानंद सरस्वती ने, सबके सब ने दीपावली के दिन देह का त्याग किया है, ये इत्तफाक की बात है, और सभी ने संलेखना पूर्वक किया है। तो फिर उनका पहले तो आधार दो और फिर अपने तर्क युक्ति से सिद्ध करो। आप नहीं समझे मेरी बात को? देखो बहुत सारी बातें होती है, वो आगम से भी सिद्ध करनी पड़ती है और तर्क युक्ति से भी सिद्ध करनी पड़ती है। कहीं कहीं आगम बलवान हो जाता है, कहीं कहीं तर्क युक्ति बलवान हो जाती है। कहा, मैं थोड़ा बताऊं, गुरुदेव का कोई अनन्य भगत है, वो तर्क युक्ति नहीं सुन सकता। अनन्य भगत मतलब, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता वैसे, अब मेरे मिसयूज नहीं करना मेरे वर्ड्स का, मुझे कहना है जो बिल्कुल अपनी बुद्धि पर बिल्कुल जोर नहीं डालना चाहता, जो एकदम अंधे भगत रहते हैं ऐसे, बहुत रहते ना ऐसे। अरे उन्होंने कहा चला है श्रावकाचार, क्या है ये, क्यों चला है अपन, बहुत जन रहते हैं ऐसा। तो फिर उनको गुरुदेव के आधार से ही काम चलता है। फिर आप समझ रहे सब मेरी बात को, तो उनको ये दिखाए, एक बार देखो गुरुदेव ने प्रवचन में ऐसा कहा भाई, हाँ ठीक है ठीक है, फिर गुरुदेव ने कहा है तो फिर ठीक है ठीक है, ये आज्ञा प्रधानी वाले हैं, ये आज्ञा प्रधानी के अति वाले होते हैं ये लोग, और कुछ कुछ तर्क युक्ति के अति वाले होते हैं, तो उनको आधार से काम नहीं। कुन कुन, अरे कुन कुन हो नहीं तो कुन कुन क्या, मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे तो तर्क से सिद्ध करके दिखाओ। फिर उनको तर्क से सिद्ध करके दिखाना पड़ता है, सब प्रकार के लोग रहते हैं, तो आधार चाहिए, आधार से सिद्ध करो, और जिनको तर्क संलेखना, हमने आधार से पहले सिद्ध की, क्या विनोबा भावे को पकड़ो, दयानंद सरस्वती को पकड़ो, इन सबको पकड़ो जो समाधि करके गए हैं महाराष्ट्र में, ज्ञानेश्वर वगैरह, ये सब समाधि मानते हैं, समझ में आ रहा है, तो उनकी पूज्यता क्यों करते हो, एक बात। और फिर तर्क क्या हम घटित कर रहे हैं इसमें, कि संलेखना मतलब देह का त्याग नहीं है, देह के प्रति ममत्व का त्याग किया है, और फिर कषाय का त्याग, समझ में आता है, और आहार पानी का त्याग, ये इनका पुरुषार्थ है हमारा, ठीक है। तो फिर एक उपवास भी कोई नहीं कर सकेगा, और सब हटा दो फिर सब उपवासों को। समझ में आता है? चलो, तो कहां तक आए हम, किसकी सिद्धि हुई? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, देखो आश्रव आदि का श्रद्धान हुए बिना स्वपर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं और संभव भी नहीं। कार्यकारी तो ऐसा नहीं, कह रहे किसके पीछे करना है तुमको ये सब, तुमको पता तो है नहीं, राग द्वेष को मिटाने के पीछे करना, और संभव कैसे नहीं, तो कह रहे हैं वस्तु शुद्धाशुद्ध पर्यों का पिंड है आत्मा, अभी प्रकरण में आत्मा शुद्धाशुद्ध पर्यों का पिंड है, तो पर्यों को ही नहीं जानोगे, आत्मा को जानोगे कहां से, समझ में आ गया। आत्मा को, आत्मा का श्रद्धान करने के लिए पहले आत्मा वस्तु जाननी पड़ेगी ना, वो घर खरीदी करना है, कब खरीदी करोगे, देखते हैं हम जाकर अगल में कौन रहता है, बगल में कौन रहता है, नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, ऊपर रह रहा हो कोई लोहार, ठक टुक रोज चले कैसे काम चलेगा,
और यहाँ वहां कोई धोबी वोबी रहते हो, कोई कुछ रहते हो, कोई कैसे काम चलेगा हमारा? तो और घर देखना मतलब उसके कमरे देखो, कहाँ से रोशनी आती हो देखो, लाइट फिटिंग देखो, उसके पानी देखो, तब उसी को कहते ना घर को देखना। तो आत्मा का श्रद्धान करना मतलब क्या? अरे उसकी समस्त अवस्थाओं को जानो, समझ में आ गया, उसके गुणों को जानो। देखिए यहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं आप 3-4 सेकंड लाइन, क्योंकि आत्मा द्रव्य है सो तो शुद्ध अशुद्ध परे सहित है। ख्याल में आ गया 3-4 सेकंड लाइन। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध परे पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धा नहीं होता। कितने जन को समझ में आया? अभी अभी बता रहा हूं उसको भी। ये भारी पड़ रहे क्या? ये भी कुछ नहीं, भारी नहीं पड़ना चाहिए प्रकरण। तंतु मतलब अभी बता रहा हूं, हमने कहा ये देखना कपड़ा कैसा है, जरा कपड़ा खरीद करना है, कपड़ा दिखाओ। तो कपड़ा कैसे देखोगे तुम? पहले कपड़ा लाया उसने, जानते हो पहले जमाने में क्या करते थे लोग पता है? चखते थे उसको, कपड़ों को पता है, उसको चखते थे भी थे पहले, और इतने जानकार रहते थे, वो ड्यूरेबिलिटी नक्की करते थे उससे। मतलब अभी तो स्पर्श से ही करते हैं, स्पर्श से भी कोई नहीं समझता, फिर कभी और टेक्निक्स होते, जला के देखे उसको ये सूती है कि नहीं, होता है एकदम राख हो जाए तो समझ लेना सूती है, और एकदम वो एकदम श्रिंक जैसे होने लग जाए, मोड़ ले ले एकदम ट्विस्ट हो जाए तो समझ लेना ये मिलावट है इसमें। दिस इज सिंथेटिक मटेरियल, मे बी वूल मे बी एनीथिंग बट दिस इज सिंथेटिक नॉट कॉटन, समझ में आता है? तो कह रहे हैं तंतु देखे बिना तुम कपड़े का निर्णय कहां से करोगे? अब पकड़ में आ गया? ए हमने कपड़ा देखा पहले, उसका ऐसा थोड़ा देखते ताना बाना देखते उसका, और फिर एक कपड़े फिर जला के देख लो जरा, तंतु से निर्णय किया हमने कपड़े का, और मात्र वस्त्र का निर्णय करना कोई कहे बिना तंतु के निर्णय के कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार बोलो, यहां पर बोलो बोलो अक्षत बोलो, ठीक उसी प्रकार तंतु मतलब ताना बाना मतलब पर्याय, ताना शुद्ध पर्याय, बाना अशुद्ध पर्याय, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को जाने बगैर तुम आत्मा को जाना ये कहां से बोलेंगे? वैसे भी जानना पड़ेगा तुमको, इसलिए मैंने एक दिन आप ही को कहा था, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को कुछ लिखा था 3-4 लाइंस कि यदि तुम्हें भारत देश पर राज्य करना है, मरने के पहले लिखा हुआ है एक लेटर, क्या लिखा था? अंडरस्टैंड इंडिया, अंडरस्टैंड इंडियंस। आपको नहीं बताया था ये? दसवीं वालों को बताया था, दसवीं वालों को। और क्या 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 कहा? अंडरस्टैंड इंडिया, अंडरस्टैंड इंडियंस, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। मैं इसमें घटित करता हूं, अंडरस्टैंड इंडिया आत्मद्रव्य को जानो, अंडरस्टैंड इंडियंस देयर पीपल मतलब गुणों को जानो, और अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स आश्रोबंध को जानो, समस्याओं को समझो, समस्या क्या है। भारत को जानकर आना मतलब क्या करना? भारत को अभी कोई कह रहा था कल ओबामा आ रहा है यहाँ पर, ओबामा यहाँ पर आ रहा है काहे के लिए आ रहा है? वो तुम्हारी ड्रिल देखने आ रहे? अरे वो यहाँ पर आएगा तो सभी बातों पर पहलुओं पर चर्चा होती है कि यहाँ पर इनसिक्योर भारत है तो किस रूप है, वो हमको किस प्रकार कोऑपरेट कर सकते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, उसके सब पूरी वो निगोशिएशंस होते हैं, निगोशिएशन समझते हो, सब होता है ना, वो टॉक्स होती है, ट्रीटी साइन होती है, भाई तुम हमारा ही माल लोगे फिर, ठीक है हम आपका ही माल लेंगे, हम भी फिर आपको छत्र छाए देंगे, ऐसा कुछ होता रहता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? भारत को देख कर आओ मतलब, भारत को देख कर आओ मतलब उनकी सव्यस्त परिस्थितियों को समझो, हम उनसे क्या ले सकते हैं, उनको क्या दे सकते हैं, ए समझ में आता है क्या काम? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सात तत्वों का सिद्धांत निहित है, गर्भित है इन सब बातों में। आगे बढ़ना है, फिर टोडरमल जी साहब आगे बढ़कर ये कहते हैं कि यदि सात तत्वों के श्रद्धान बिना ही आपा पर का श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान हो, क्या बात है ऋषभ, घड़ी यहां ला कर रखे आगे, तुम लोग बहुत लेट आ गए, सब ग्रुप में आप 10-15 मिनट लेट आए हो, सब 15 मिनट लेट, क्या बात है। कहा तक आए बोलो? कह रहे यदि सात तत्वों के श्रद्धान बिना ही होगा, कह रहे सामान्य से विशेष बलों ने ऐसे क्यों कहा फिर?
नीचे लिखा ना, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खरविशानवत। जिस प्रकार विशेष के बिना सामान्य का ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार किस प्रकार और यदि होवे तो स्थिति कैसी बनेगी, जिस प्रकार गधे के सिंह, जिस प्रकार गधे के सिंह हो नहीं सकते, उसी प्रकार विशेष के बिना सामान्य का ज्ञान हो नहीं सकता। ठीक है, फिर टोडरमल जी साहब और भी कह रहे हैं, और भी बहुत खतरे कह रहे हैं। क्या खतरा है? अपपर का शब्दान कहने में और आत्मा का शब्दान कहने में और खतरा है कुछ। क्या खतरा है? कि बस नाम आदि रट लेता है वो, और बस उतना उतना चिंतन करेगा, और प्रयोजन पर तो दृष्टि नहीं रहेगी, अपना राग द्वेष घटा गिने ये कैसे पता चलेगा? कभी कभी मैं शरीर से भिन्न हूं ये जानकर वो राग द्वेष पोषण कर सकता है, उसका प्रयोजन तो बताए बिना काम नहीं चल सकता। हम तुम्हारे कोई नहीं, हम कुछ नहीं, तुम तुम्हारे देखो। पिता ने कहा बेटे बेटे को, तुम तुम्हारे देख लो। समझ में आ गया? मैं एक बहुत फंस गया था एक केस में, बहुत साल पहले की बात है ये, आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे पिताजी ने ये बोला कि तुम तुम्हारा सेटल कर दो उसको, और बहुत तकलीफ तकलीफ जैसी भी स्थिति बनी मेरे सामने, बहुत तकलीफ जैसी, आप कल्पना नहीं करेंगे। आई डिडेंट सी हिम सो मच रूड एवर इन माई लाइफ, मेरे पिताजी को, क्योंकि मैंने हर घड़ी देखा उनको, तो ये भी नहीं पता रहता था मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, कभी नहीं पता उनको, रफ भी अंदाजा नहीं रहता था। वो तो जब भी कोई पूछता था वो 10 दफे हमको पूछकर बताते थे, भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तुम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उनकी परिस्थिति इतनी खराब थी, मतलब फिर थोड़ा सा लिंक भी लग गई थी तो उनको प्रतिपल पैसा जोड़ने में उपयोग लगा था उनका। अब फिर मेरे फिर बहुत परिस्थिति अच्छी हो गई बाद में, एकदम एकदम टॉप फाइन ही हो गई सब। तो बाद में फिर मेरे ऊपर संकट आया कभी, तो उन्होंने बिल्कुल माइंड नहीं किया मुझे, फिर ऊपर से भी कोई दिक्कत आने लग गई मुझे, और भी मतलब बहुत खुलकर कहना पड़ेगा, ऊपर से मतलब वो पुलिस से सब समस्या। आप कल्पना नहीं करेंगे, उन्होंने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया बीच में, कैसी भी नो बताए तो आप सब समझ लो, उन्होंने मेरे से बिल्कुल संपर्क नहीं किया। मेरे को बहुत तकलीफ हुई उस बात की, लेकिन मुझे मैंने बाद में पाया कि बहुत गंभीर है मेरे पिताजी, कि इतनी प्रतिकूलता में भी उन्होंने आहट तक नहीं लगने दी कि उन देखो ये बहुत बड़ा रोल होता है कि वो दिखाना नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है। देखो देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, थोड़ा खोल कर, जमीन खरीदी करनी है, आज इसकी 1 करोड़ वैल्यू है, कल 10 करोड़ वैल्यू होने वाली है, कल ही हम जाए वहां पर, वो आदमी को तो पता ही नहीं। मैं जाऊँ पिताजी के साथ, पिताजी परचेस करना है, तो वो बोले साहब हमको तो इसको 1 करोड़ 10 लाख में देना है। पिताजी कहे मेरे 1 करोड़ में देना है क्या, बोलो फटाफट, तो मुझे दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है पैसा, वो दे रहे। तो वो पिताजी कहे नहीं देना, चलो छोड़ो, चलो बैठो गाड़ी में। और मैं कहूँ पिताजी पिताजी एक काम, आप ऐसे मत करो, आप दे दो। तो कह रहे तुम चुप रहो, नहीं लेना अपने कोई प्रॉपर्टी। पिताजी को पता है सिस्टम उसकी, पिताजी को पता ही है प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए कहीं, और वो लेकर रहेंगे उसको, लेकिन वो उनकी शैली है ऊपर की, और जो हमारा ये थिंकिंग है ना ऐसा नहीं चलता, थोड़ा सा बिठाओ कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं बात होगी। वो हमारी जो थिंकिंग है ये हमारी अनुभव की कमी दर्शाती है, कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे, ये उनके अनुभव की इतनी दृढ़ता है, उन्होंने सब दुनिया देखी है झेली है, वो बहुत सब कुछ देखते हुए भी क्या क्या करना है प्लान सब होते हुए भी एकदम शांत रहते, तटस्थ, जैसा कुछ नहीं हो रहा है। आप समझ रहे मैंने क्यों कहना चालू किया, मुझे याद नहीं आ रहा। और तो फिर बाद में मुझे ये पता चला, संकट का निवारण होने के पश्चात उनको ये देखना था कि मैं कहा किस हद तक बढ़ सकता हूं। उन्होंने कहा जीवन तुम्हारा है, तुम कैसे स्ट्रगल करोगे लाइफ में, और तुम्हें भी समझ में आना चाहिए तुमने कोई गलती की होगी तो फिर से ना करें। हम एक एक बात में
हम एक एक तुम एक गलती करो और हम दौड़ते आए तुम्हारे पीछे, तुमको एहसास कैसे होगा उसका? तुमको भी समझना चाहिए ये कानूनी दौर से गुजरना कितनी टेढ़ी खीर है, लेकिन उसी हद तक हम तुम्हारा मजा देख सकते हैं। किस हद तक? यदि हमारे पुत्र के वियोग की ही आशंका हमारे सामने खड़ी होवे, हम एक सेकंड में सब कुछ नौछावर कर सकते हैं यहां पर, लेकिन हम जुबान से बोल के नहीं दिखाएंगे। मुझे ऐसा तक नहीं बोला उन्होंने कि संकट आएंगे तो मैं सब देख लूंगा, तुम चिंता नहीं करो, ऐसा भी नहीं। सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने मेरे पिताजी को भी नहीं समझा और इतने गंभीर वे हो सकते मैंने कभी अनुमान नहीं किया था। देखो प्रथमानियों, प्रथमानियों की बात ऐसा आता है, वो मनोवती होती थी, मनोवती थी, उसने शादी की और शादी करके वो गई तो फिर उसकी प्रतिज्ञा थी मैं रोज गजमोतियों से पूजन करूंगी। उसने देखा दूसरे दिन कि यहाँ से तो कोई गुंजाइश नहीं आई सी, कुछ नहीं होगा यहाँ से, ये तो बहुत कंजूस है। तो फिर वो एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन भोजन नहीं किया उसने। बोले क्या हो गया? सब 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 सामने खड़े आकर बोले पापा को बुलाओ, मुझे जाना है वहां पर घर पर, बहुत सिर दर्द हो रहा है, वो वैद्य वहीं पर रहता है। कोई बात नहीं, बुला लिया पिताजी को, पिताजी को बुला लिया। फिर वो बोले क्या समस्या है लड़की की? बोले इसको बहुत सिर दर्द हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो बहुत सिर दर्द हो रहा है तो फिर वहीं पर वैद्य है, तो बोले उस वैद्य को यहां लाओ, अपन यही बिठाएंगे। बोले ऐसा नहीं, वो बहुत, बोले कितनी रकम मांगेगा वो, हम सब कुछ नौछावर कर देंगे यहां पर। कौन बोला ये? मनोवती का ससुर। तो उन्होंने एक बात ऐसी बनाई थोड़ी सी, कोई एक वैद्य और उसने बोला रत्नों को घिसकर लगाना पड़ता है। उसने बोला मंगाओ सब रत्न, लगा दो ढेर और बना दो सब, बोला दो सभी को, प्रजाओं को चालू करो इसका चूर्ण बनाना, हमको हमारी बहू से बढ़कर कोई नहीं है। वो मनिती मनोवती एकदम होश में आ गई। मनोवती ने सोचा मैं कितनी पागल हूं, मैं तो कह रहे यहां पर कुछ नहीं व्यवस्था, मतलब मैं ये कह रहा हूं एट टाइम्स जो एकदम कंजूस आदमी दिखता है वो आपको चौकन्ना करके रख दे सकता है। मतलब बाहर का अप्रोच कोई अलग और अंदर का अप्रोच कोई अलग। वो तो यहां से वहां भी जाना हो, वो रिक्शा 10 जगह पूछेगा कितना लोगे कितना लोगे कितना लोगे, सब 10 रुपए 10 रुपए नहीं 10 रुपए नहीं 5 रुपए 5 रुपए, मैं तो पैदल जा रहा हूं। 5-5 रुपए बचाने वाला आदमी आपको सबको चौंका सकता है। कैसे? बोलिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, कितना पैसा चाहिए? 10 करोड़ मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, चालू करो आप काम। मतलब आपको जो कंजूस दिखता है वो उसकी समझदारी थी, वो आपने उतने से जैसे आपने उसको कंजूस कैसे माना। मैं इतना क्यों कह रहा हूं मालूम आपको? क्यों कह रहा हूं इतना सारा? उसका ये कहना है, क्या क्या प्रकरण था, क्या क्या कहना था? शुद्ध शुद्ध तो खत्म हो गया था, ये नीचे प्रकरण। प्रयोजन भाषित नहीं होता तब केवल जानने से ही काम मान को बढ़ाता है। वो ऊपरी ऊपरी जानेगा तो उसको भाव भाषण कैसे होगा उसका? हाँ 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 हाँ, मुझे कहना था शरीर और जीव को जानना अलग अलग। अरे इसको लेकर कोई अपने राग का भी पोषण कर सकता है ना, एकदम विपरीत अप्रोच में जा सकता है। बात वही है, एकदम विपरीत अप्रोच में जा सकता है। उसको सामने उसका प्रयोजन खड़ा करके रख दो, क्या कि देखो तुम अलग है, अलग है इसका प्रयोजन, तुम्हारा राग घटना चाहिए। समझ में आता है? मतलब शब्द स्वयं में कुछ नहीं है ना, उसकी विशेषता भाषित कब होगी? जब उसको 7 तत्व तो सामने आएंगे तो वो विशेषता भाषित होगी। ये यहां तक प्रकरण आया है 325। इस प्रकार अपर के श्रद्धान में वो आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है, इसलिए तत्वार श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है। अभी फिर उसने प्रश्न पूछा है, एक मिनट में एक पेज पूरा करता हूं मैं। 7 बजने को है क्या? कितने बजे चालू किया था अपने? 6 बजे, ठीक है। सुनिए सुनिए सब, 6 बज के आगे बढ़ा था। देखो क्या कह रहे थे या कह रहे हैं, तो उसका यह कहना है अरहंत आदि का श्रद्धान व सम्यक्त्व का लक्षण ऐसे क्यों कहते? फिर क्या बोल रहे वो? अभी नया एक डंप कर रहा है वो सामने लाकर, वो कुछ नहीं, वो क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है सामने ला लाकर टोडरमल जी के। फिर वो क्या है? फिर वो क्या है? फिर वो क्या है?
पैसा खर्च नहीं करना, तो तुम्हारे बड़े बड़े लड़के ने तो बहुत पैसा बचाता है ना, वो भी बहुत पैसा बचाता है ना, ऐसे क्यों बोल रहा है ये लड़का? ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी अभी ये लूट कर आए हैं, तो उनको क्यों नहीं बोलते आप? तो ये डंप कर रहे ला कर। फिर रत्नकरण साहू का चरण में भी कहा, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, तत्वार श्रद्धान को दूषण लगाना है इसको। तो टोडरमल जी साहब कह रहे, भैया कहा तो है वहां पर ऐसा, लेकिन बात ये है वो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान बिना बात आगे नहीं बढ़ सकती। किसका तत्व सुनना कैसे पता चलेगा उसको? कह रहे जिस प्रकार उदाहरण दिया, जिस प्रकार कह रहे हैं अनुव्रत महाव्रत होने पर देश चरित्र और सकल चरित्र हो अथवा नहीं भी हो, ठीक है, अनुव्रत महाव्रत मतलब बाहर की क्रिया और देश चरित्र सकल चरित्र मतलब वितरागता, लेकिन जिसके देश चरित्र सकल चरित्र होगा उसके अनुव्रत महाव्रत होगा ही होगा। तो बाहर से व्याप्ति लगाकर हमने ऐसा बोला अनुव्रत महाव्रत कोई चरित्र क्यों बोला, अनुव्रत महाव्रत हो तो हो सकता है आगे। उसी प्रकार हमने देव शास्त्र गुरु के श्रद्धन वाले को ही सम्यक तो हो सकता है, उस तरफ से हमने उसको लक्षण बनाया है, यह हमने आज देखा। शेष चर्चा हम कल करते हैं। ओम नमः।